इस वीडियो में आपको मैं निप्पल लाइन को कैसे क्लीन करना है वो बताऊंगा। जो आपका मेन से आपकी निप्पल में जो सप्लाई गई है, ये देखिए दोस्तों, निप्पल लाइन को कुछ इस प्रकार से हम क्लीन करते हैं। उसको करीब करीब इस लेवल पे या जितना भी आप वाटर प्रेशर मेंटेन करते हैं उस लेवल पे रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइज, आज बैच का है 12वां दिन रनिंग है और 11 दिन हमारे बर्ड को जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन दिन है, 12वें दिन में वैक्सीनेशन दिन होता है, बट हमारे बर्ड में साउंड की प्रॉब्लम है तो इसलिए हम अभी वैक्सीन को सेकेंड वैक्सीन जो है उसे स्किप कर रहे हैं। अगर एक दो दिन तक हमारा बर्ड सही रहा तो हम वैक्सीन करेंगे, एक दो दिन बाद करेंगे। अगर फिर भी हमारा बर्ड रिकवर नहीं होता तो थोड़े दिन के लिए हम वैक्सीन गुम्बारों की वैक्सीन टाल देंगे या इस बार हम सेकेंड वैक्सीन नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों, लीटर रैकिंग से शुरुआत हो रही है दिन की और जी टाइम पे लीटर रैकिंग पे लगे हुए हैं। इस सेक्शन की लीटर रैकिंग हो चुकी है, सेकंड सेक्शन में है, उसके बाद थर्ड सेक्शन की लीटर रैकिंग बची हुई है। और मोर्टालिटी की बात की जाए तो मोर्टालिटी अभी तक है 5 मोर्टालिटी मिली हुई है, आई होप इससे ऊपर ना हो। तो अभी तक मोर्टालिटी अंडर कंट्रोल है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मोर्टालिटी थी। हालाँकि चिक्स में मोर्टालिटी होती ही है, फिर भी मोर्टालिटी जितनी कम हो, क्योंकि काफ़ी महंगा चिक्स है, जितना कम मोर्टालिटी होंगी उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ये देखिए दोस्तों, टोटल 6 मोर्टालिटी हो चुकी हैं, लास्ट सेक्शन से भी एक मिल गया है। तो इनका पीएम करके देखा जाएगा कि इनके अंदर क्या दिक्कत है, उस हिसाब से हम मेडिसिन लगाएंगे। फिलहाल हमारे फार्म में जो हमें लग रहा है, हमारे फार्म में छिक-छिक की समस्या है और लीवर की समस्या भी थोड़ी बहुत हो सकती है। तो पहले हम छिक-छिक का ट्रीटमेंट करेंगे, इसको ज़्यादा बड़ा ना होने देंगे, यहीं पे इसको ख़त्म कर लिया जाएगा तो बेहतर रिजल्ट रहेगा। सो दोस्तों, अभी जो है अब हमारे बर्ड को स्पेस की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है और इसीलिए हमने जो है अभी लास्ट तक भी स्प्रेड नहीं किया, पूरा बच्चा लास्ट तक भी नहीं फैलाया। और इस साइड हमने भूसी पहले पूरी फैलाई नहीं थी, इस साइड भी हमने, ये देखिए, कूलिंग पैड साइड भी हमने पूरी भूसी को फैला दिया है। तो थोड़े दिनों में, आने वाले 7-8 दिन में हमको बर्ड को स्पेस देना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। सो दोस्तों, बहुत से फार्मर भाइयों का हमें कमेंट आ रहा था कि आपकी निप्पल लाइन में ब्लॉकेज होते हैं कि नहीं होते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में, इस वीडियो में आपको मैं निप्पल लाइन को कैसे क्लीन करना है वो बताऊंगा। सो दोस्तों, निप्पल लाइन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बर्ड काफ़ी अच्छा पानी उठाता है इसमें, लेकिन जिस किसी भी फार्मर भाई को ये मेंटेन करना नहीं आया तो कभी कभी बहुत तकलीफ भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि निप्पल लाइन में पानी चल रहा है बट आधे से ज़्यादा बर्ड जो है प्यासा रह जाता है। तो ऐसी भी दिक्कतें निप्पल लाइन में देखने को मिली हैं, बट इसको कैसे मेंटेन करना है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो दोस्तों, कभी भी हमें निप्पल लाइन को, जब फार्म में बर्ड के लिए पानी चला रहता है तो हमें ये देखना होता है, ये हमारा रेगुलेटर है और इसका ये जो प्रेशर बाउल है इसको हमें देखना रहता है। ये कभी भी ऊपर रहनी चाहिए, ये नीचे नहीं रहनी चाहिए, या कम्प्लीटली ऊपर नहीं रहनी चाहिए या नीचे नहीं रहनी चाहिए। उसको करीब करीब इस लेवल पर या जितना भी आप वाटर प्रेशर मेंटेन करते हैं उस लेवल पर रहना चाहिए। उससे हमें ये इंडिकेशन हो जाता है कि बर्ड को लाइन में पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। कभी क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है, जैसे कि हमारे इस येलो पाइप में ब्लॉकेज आ गया तो हमारा जो बाउल होती है, इसमें प्रेशर बाउल होती है, वो नीचे चले जाती है क्योंकि इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो हमें ये इंडिकेशन हो जाता है कि हमारी लाइन में पानी नहीं चल रहा है। और कभी कभी क्या होता है, अगर निप्पल लाइन में एयर भर गई तो प्रेशर बाउल ऊपर आ जाता है, तो उससे हमें ये इंडिकेशन हो जाता है कि लाइन में एयर भरी हुई है, लाइन में पानी नहीं जा रहा है। तो हमें ये इंडिकेशन हो जाता है कि लाइन में पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये मैंने आपको ये तरीका बताया कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि लाइन में पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। और रही बात है अब क्लीनिंग की, तो निप्पल लाइन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपके जितनी भी फार्म में आपकी निप्पल लाइन है उनके लिए एग्जिट पाइप होना चाहिए। फार्म के बाहर जो है उसका पानी हमेशा, कभी भी आप फ्लश करते हैं तो उसका पानी एग्जिट होना चाहिए। और दूसरी बात, अपने टैंक को रेगुलर क्लीन करते रहें। और जब हमारा लॉट खाली हो जाता है, जब हमारा लॉट ख़त्म हो जाता है, तो प्रत्येक निप्पल को खोल के आपने साफ़ करना है। उसी के साथ साथ आपको टैंक में 200 से 300 लीटर पानी में HCl का भी प्रयोग कर सकते हैं और एसिटिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं क्लीनिंग के लिए। HCl भी बढ़िया रहता है। आप 200-300 लीटर पानी में 5
4-5 लीटर जो है HCl डाल के उसे 2-3 घंटे के लिए अपने निप्पल लाइन में छोड़ सकते हैं और उसके बाद उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसे निप्पल लाइन को क्लीन किया जाता है। एसिटिक एसिड से भी क्लीन कर सकते हैं, HCl से भी क्लीन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मार्केट में केमिकल होते हैं उनसे आप क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके निप्पल लाइन में ब्लॉकेज आता है तो ब्लॉकेज के भी बहुत सारे केमिकल जो है मार्केट में हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाएंगे, तो उसको लेके आके आप पानी में डाल के अपने निप्पल लाइन को जो है क्लीन कर सकते हैं। जब आपका लॉट कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है तो उस टाइम पे काफ़ी तसल्ली से अपने निप्पल लाइन को क्लीन कीजिए। जब भी आप अपनी निप्पल लाइन को क्लीन करते हैं, जो आपका मेन से आपकी निप्पल में जो सप्लाई गई है, तो इन पाइप को खोल के आपने टैंक से प्रेशर मार के यहाँ तक का पहले एक पार्ट में ये क्लीन कीजिए, और दूसरे पार्ट में इसको, जब ये वाला पार्ट आपका क्लीन हो जाता है उसके बाद निप्पल में भी आप प्रेशर मार सकते हैं। हमने भी कुछ समरसिबल का प्रेशर मारने का इसमें जुगाड़ा बनाया है। हम डायरेक्ट समरसिबल से निप्पल लाइन में प्रेशर मार देते हैं, जितना भी इसमें काई होती है वो लास्ट में जो हमने आउटलेट लगा रखा है वहाँ एग्जिट हो जाता है। निप्पल लाइन में हमारे भी ब्लॉकेज आता है, बट हम इसे मेंटेन करते हैं। कभी भी जब आप मेडिसिन लगाते हैं तो हमेशा मेडिसिन के बाद तुरंत फ्लश कीजिए और उसके बाद सादा पानी चलाइए, तो हमेशा मेडिसिन के बाद आपको फ्लश करना रहता है, अदरवाइज आपकी निप्पल लाइन चोक हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, निप्पल लाइन को कुछ इस प्रकार से हम क्लीन करते हैं। ये देखिए, चार हमारी निप्पल लाइन है, चारों के हमने आउटलेट बाहर को दिए हुए हैं। ये देखिए, सारे आउटलेट से पानी को छोड़ा जा रहा है, पानी बाहर किया जा रहा है। जितना भी इसमें दवा का कचरा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आ रहा है। डेली आपको मेडिसिन लगाने के बाद डेली अपनी निप्पल लाइन को फ्लैश करना होता है। निप्पल लाइन को फ्लैश मोड में रख के इसको डेली फ्लैश करना होता है। करीब करीब 200-400 लीटर पानी हम ऐसे ही बहने देंगे। जितना भी निप्पल लाइन के अंदर कूड़ा फंसा होगा, दवा का जो भी कचरा अंदर होगा थोड़ा बहुत भी, वो सारा इसमें बह के बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद हम सिंपल वाटर लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मेडिसिन लगाएंगे तो फिर मेडिसिन लगाने के बाद फिर से फ्लैश कर देंगे। ये देखिए, अभी हमारी निप्पल लाइन चोक नहीं हुई है। ये देखिए, इतना मोटा पानी सारी निप्पल लाइन से निकल रहा है। और कल हमने टॉक्स भी लगाया था। टॉक्स भी से ये फ़ायदा होता है कि ये और भी निप्पल लाइन में जहाँ जहाँ पे भी थोड़ा फंगस फंसा रहता है या काई रहती है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये देखिए, चारों लाइन में हमने एग्जिट कर रखी है, और करीब करीब 400-500 लीटर हम पानी इसमें ऐसे ही चलने देंगे, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10, और इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ अपने फार्म पे। हमेशा रात के 10 बजे के करीब हम अपने फार्म में एक बार चेक करने के लिए आते हैं, फार्म में टेम्परेचर बना हुआ है नहीं है, या फार्म में अमोनिया ज़्यादा हो रही है, ये सब चेक करने के लिए एक बार हम फार्म पे ज़रूर राउंड मारते हैं जब कभी भी हम फार्म पे होते हैं। तो अभी हमारे बर्ड में जो है साउंड की दिक्कत है, इसलिए हमने आज रात के पानी में 1000 लीटर पानी में हमने एंड्रोफ्लॉक्स AZ हमने डाल दिया है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी पे हमने एनोफ्लॉक्स AZ का यूज आज किया है। हमें थोड़ा साउंड की दिक्कत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए आज हमने थोड़ा हार्ड डोज दिए, और अगर उससे सही हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ी 1-2 डोज और चलाएंगे। जहाँ तक हो, मुझे लग रहा है कि आज रात का पानी जो हम दे रहे हैं उससे हमारा बर्ड में जो छिकछिक की समस्या है वो कंट्रोल में आ जाएगी। बाकी का थोड़ा बहुत जो रह जाएगी वो कफ सिरप से कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि हम लीवर टॉनिक के साथ साथ हमेशा जो है कफ सिरप देते हैं, जिससे कि ये दिक्कत है छिकछिक की दिक्कत कंट्रोल में आ जाएगी। और दोस्तों, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कूलिंग पैड साइड को थोड़ा बहुत ठंड होती है, तो इस साइड के हैलोजन हमने जला रखे हैं, बाकी उस साइड के हमने नहीं जला रखे हैं, एग्जॉस्ट फैन साइड के, क्योंकि वहाँ को नॉर्मली टेम्परेचर बढ़िया रहता है, वहाँ पर बिना हैलोजन के जो है बर्ड अच्छे से बैठा हुआ है। और इस साइड थोड़ा कूलिंग होती है, इस साइड थोड़ा ठंड रहता है, वहाँ के अपेक्षा इस साइड थोड़ा ठंड रहता है, इसलिए हमने इस साइड के हैलोजन जला रखे हैं, और इसी साइड के बच्चों में हमें छिक-छिक भी देखने को मिली थी। इसी के साथ दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने निप्पल लाइन को कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे उसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय दोस्तों।